ये है यामाहा कंपनी का लॉक, ठीक है। इसका ये पोजीशन से टूट गया है, ये हैंडल लॉक को प्रेस करता है तो ये रॉड निकलता है, ये रहता है यहाँ पर, ये यहाँ पर रहता है, ठीक है। हैंडल लॉक नहीं करने की वजह से ये रॉड में जंग लग जाता है। ये रॉड है, ये हैंडल लॉक करता है, इसको जंग लग जाता है, रुका कर दो, ये जंग लग जाता है तो इसी वजह से लॉक नहीं होता है। अब प्रेस करने से क्या होता है, ये तो प्लास्टिक पे सेट रहता है और ये चीज़ तो टूट गया है इसका। ऐसा हीरो होंडा का भी होता है, ये यामाहा का लॉक, यामाहा FZS ये उसका बोला था, FZS SZR यामाहा का चाबी। ऐसा R15 में भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक घाट रहता है, ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है। अगर ये पोजीशन घिस जाता है तो हैंडल लॉक नहीं होता है, और नहीं होने की वजह से ये रड में जंग लग जाता है, इसी वजह से हैंडल लॉक नहीं होता। तो लॉक में तेल दिया करने से, बराबर तेल देने से लॉक में जाम नहीं होता है और ये बढ़िया से वर्क करता है, ठीक है। लॉक खोलने के इसका कैप, इसको कैप उतार के यहाँ पर एक पिन होता है, ये पिन को रिमूव करने होता है, निकलने से ये लॉक ऊपर से निकल जाएगा, ये रड यहाँ से निकलेगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।